तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से किरेशन बाबा जी यूट्यूब चैनल पर। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को कर लो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑल पर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो गाइज, आज हम बात करेंगे पेड़ पौधों के बारे में कुछ रोचक फैक्ट्स। क्या आप जानते हैं एक पेड़ एक दिन में इतना ऑक्सीजन देता जितने में 4 आदमी जिंदा रह सकें। इसी तरह पेड़ पौधों से जुड़े कई ऐसी बातें हैं जिसे आपको जरूर जानना चाहिए। यहाँ पर पेड़ पौधों से जुड़े कुछ रोचक फैक्ट्स आप जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हर साल लगभग 5 अरब पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन बुरी बात यह है कि हर साल 10 अरब पेड़ काटे भी जाते हैं। पेड़ धरती पर सबसे पुराने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और ये कभी भी ज़्यादा उम्र की वजह से नहीं मरते, बल्कि बीमारी, कीड़ों और इंसानों की वजह से मरते हैं। एक औसत आकार का पेड़ एक साल में 10 लाख बीज पैदा करता है। एक औसत आकार का पेड़ 1,70,000 पेंसिल बनाने के लिए पर्याप्त लकड़ी प्रदान कर सकता है। केले के पेड़ 20 फुट तक बढ़ जाते हैं। एक पेड़ के नाम पर ब्राजील देश का नाम है। धरती पर मानवों के जन्म से लेकर अब तक हम 3 लाख करोड़ पेड़ काट चुके हैं। हर 2 सेकंड में एक फुटबॉल के मैदान के जितने जंगल काटे जा रहे हैं। एक पेड़ एक साल में 21.7 केजी कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर सोखता है और दिन में इतनी ऑक्सीजन देता है कि 4 आदमी जिंदा रह सकें। दुनिया में लगभग 30 खरब 40 अरब पेड़ हैं, यानी मिल्की वे में सितारों और मानवों के दिमाग में मौजूद कोशिकाओं से भी ज़्यादा। दुनिया में सबसे ज़्यादा पेड़ रूस में है, 641 अरब। उसके बाद कनाडा में 318 अरब, ब्राज़ील में 301 अरब, अमेरिका में 328 अरब और भारत में केवल 35 अरब पेड़ बचे हैं। केले में एक प्राकृतिक रसायन होता है जिससे लोग खुश महसूस कर सकते हैं। दुनिया भर में पेड़ों की 20,000 प्रजातियां पाई जाती हैं और अच्छी बात यह है कि भारत में इसके सबसे ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं। एक इंसान के लिए 422 पेड़ बचे हैं, लेकिन अगर भारत की बात करें तो एक हिंदुस्तानी के लिए सिर्फ 28 पेड़ बचे हैं। एक एकड़ में उगे पेड़ के पत्ते और शाखाएं जितनी गिरती हैं उसका भार 1 टन होता है, जो प्राकृतिक खाद के लिए काफ़ी है। एक पेड़ इतनी ठंड पैदा करता है जितनी एक एसी 10 कमरों में 20 घंटे तक चलने पर करता है। जो इलाका पेड़ों से घिरा होता है वह दूसरे इलाकों की तुलना में 9 डिग्री ठंडा रहता है। पेड़ों की कतार धूल मिट्टी के स्तर को 75% तक कम कर देती है और 50% तक शोर कम कर देती है। अफ्रीका में पाया गया बाबब पेड़ अपने फूले ट्रंक में 1,000 से 1,20,000 लीटर पानी जमा कर सकता है। बांस सबसे तेजी से बढ़ता है और इसकी कुछ प्रजातियों की बढ़वार साल में कुछ दिनों में 1 मीटर प्रति घंटा तक पहुँच जाती है। एक पेड़ एक साल में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है उतनी कार्बन डाइऑक्साइड एक कार 41,600 किलोमीटर चलने के बाद पैदा करती है। पेड़ अपनी 10% खुराक मिट्टी से और 90% खुराक हवा से लेता है। एक पेड़ एक साल में 20,000 किलोमीटर पानी धरती से चूस लेता है। ओक के पेड़ किसी भी अन्य पेड़ की तुलना में बिजली से अधिक मारा जाता है। एक पेड़ अपने पूरे जीवन काल में लगभग 1,000 किलो कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है। दुनिया की 20% ऑक्सीजन अमेजॉन के जंगलों द्वारा पैदा की जाती है। ये जंगल 8 करोड़ 15 लाख एकड़ में फैले हुए हैं। यूकेलिप्टस, जिसे हम सफेदी का पेड़ भी कहते हैं, उसकी पत्तियों में भी सोने के कण मौजूद होते हैं। सफेदी का पेड़ खेत को बंजर करता है। यह किसी भी और पेड़ की तुलना में सबसे ज़्यादा पानी चूसता है। अंग्रेजों ने दलदल के लिए सफेदे का पेड़ लगाना आरंभ किए थे। इंसानों की तरह पेड़ों को भी कैंसर होता है। कैंसर होने के बाद पेड़ कम ऑक्सीजन देने लगते हैं। पेड़ की जड़ें बहुत नीचे तक जा सकती हैं। दक्षिण अफ्रीका में एक अंजीर के पेड़ की जड़ें 400 फीट नीचे तक पाई गई थी। दुनिया का सबसे पुराना पेड़ स्वीडन में डलारना प्रांत में है। टीजिकोको नाम का यह पेड़ 9,550 साल पुराना है। इसकी लंबाई करीब 13 फीट है। तुलसी, पीपल, नीम और बरगद दूसरे पेड़ों के मुकाबले ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा करते हैं। पौधे सेहत में सुधार के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। एक मरीज जो कि अस्पताल के कमरे में हरे भरे पेड़ों को देखता है, उसकी तबीयत में जल्दी जल्दी सुधार होता है।
लगभग 20,000 विभिन्न प्रजातियों के पौधों का उपयोग मनुष्यों द्वारा खाना बनाने के लिए किया जाता है। एक बड़े समाचार पत्र के रोजाना संरक्षण 500 पेड़ से बने होते हैं। हर एक किताब जो आपने कभी पढ़ी थी, किसी समय वह एक पेड़ था। क्रिकेट बैट एक वृक्ष से बने होते हैं, जिसे विलो कहा जाता है, और बेसबॉल के बल्ले लकड़ी के हिकारी पेड़ से बने होते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और नोटिफिकेशन बेल ऑल पर करना कतई ना भूले, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर ले। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। मुस्का मुस्का।